छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है, पति की हत्या कर तालाब में फेंका शव, महिला प्रेमी संग गिरफ्तार। सूरजपुर, अक्सर लोग प्यार के जुनून में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। प्यार में जीने मरने की कस्में खाने वाले परवानों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी प्रेमिका के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी। सूरजपुर के लक्ष्मणपुर गांव में सुंदर साई नाम का एक विकलांग युवक रहता था। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन साल 2014 में उसकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद सुंदर साई को कमलापुर की रहने वाली भगमेन से प्यार हो गया। वे दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भगमेन का सुंदर साई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद वह गांव के ही सोमार साई के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। फिर एक दिन सुंदर साई शराब और मटन लेकर प्रेमिका के घर पहुंचा और उसने उसे पंडाल की तरफ आने के लिए कहा। भगमेन ने अपने प्रेमी सोमार साई को भी फोन कर बुला लिया। फिर तीनों ने मिलकर शराब और मटन का लुत्फ उठाया। इस दौरान भगमेन के सोमार साई के घर आने जाने और मिलने को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। इन दोनों की लड़ाई में भगमेन ने सोमार साई का साथ दिया और दोनों ने मिलकर सुंदर सराय का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके शव को एक बोरे में भरकर पास के ही तालाब में फेंक दिया। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन मंगलवार की सुबह जब सुंदर साई की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।